अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया यह वृद्ध दिनेश पुरोहित है। इसको दबंगों ने बीच बाजार लोहे की रॉड से पीटा है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जी हम मैं सुकला के यहाँ चाय आई पी की और चौराहे पे आ रहे थे जी बनी चौराहे पे फल फ्रूट लेने के लिए। तो जैसे दीवाजी दिखाने को नई बस्ती चौकी का और यहाँ में भाई साहब कल करवा दी वो जी इतनी बात करी और हम आगे बढ़े तो पांच छः नया लाट राड लेके सरियों की मानने लगी। हम दीवाजी बचाओ बचाओ मटरू बचाओ पाली बचाओ सब खड़े देख रहे पूरी पब्लिक। अब खूब आया तो पादन से रिपोर्ट की सरिया लाइन थी दोनों मार के उन्हें पकड़ा नहीं किसी ने पुलिस दरो सब भी खड़े थे धक्का लगा ला कर रखा स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे सारे कपड़ाए थे पकड़ लग रही फिर उठ के जब वो मार के भाग गए फिर भागे भी। दरअसल ये घटना 26 दिसंबर को शहर के व्यस्तम वर्णा कॉलेज चौराहे पर घटी है। इस वीडियो को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इसको वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ के बीच पुलिस वाले भी मौजूद हैं, साथ ही सैकड़ों लोगों की भीड़ भी यहाँ है, लेकिन किसी ने इस वृद्ध को बचाने की जरूरत नहीं समझी। जब दबंग इसको पीट कर चले गए तब इसको अस्पताल पहुंचाया गया है। इस मामले में पुलिस के पास अभी तक तहरीर नहीं पहुंची है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। जो पीड़ित बच्चे है उसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई कोतवाली में, कोतवाली से पता किया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। फिर भी अगर यदि इसमें मीडिया के संज्ञान में अगर व्हाट्सएप में भी आया है तो मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया कोतवाली को कि इसमें जाके से पूछताछ करें, यदि मामला सही है तो उसमें मामला दर्ज कर दिया और आवश्यक कार्रवाई करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पीड़ित बच्चे नहीं आ पाता, उसमें अगर हम लोग को मालूम चल जाता है तो हम लोग स्वयं संज्ञान ले लेते हैं और उसमें पुलिस पार्टी को भेज के उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई वो करवा दें। शहर के व्यस्तम वर्णा कॉलेज चौराहे पर एक वृद्ध पिटता रहा और यहाँ मौजूद आम लोग और पुलिस वाले तमाशा देखते रहे, जिसको देखकर इंसानियत शर्मसार होती है। क्या दबंग इतने मजबूत थे कि इतने सारे लोग उसका विरोध नहीं कर सके। ललितपुर से नितिन गिरी, न्यूज 75.in।